यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बैगरी कम्युनिटीज़ की, जानेंगे रूपा जी से कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा रह सकता है, इस पूरा कारोबारी सप्ताह किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कृषि फसलों की, तो कृषि फसलों में देख रहे हैं कि कैसा सीड का फरवरी वायदा 6320 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 0.25% की तेजी है। रूपा जी देख रहे हैं कि क्लोजिंग से तो आज जो ट्रेडिंग देखने को मिली है ठीक ठाक ही देखने को मिली है। क्लोजिंग हमने 6200 के स्तरों पर होती हुई देखी थी, आज देख रहे हैं कि 6300 के ऊपर देखने को मिल रहा है कैसा सीड का फरवरी वायदा। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या अभी भी कुछ चांसेस हैं कि कैसा सीड का वायदा बाजार 6500-6600 वाले लेवल्स दिखा दे? देखिए अभी तो काफी सीमित दायरे में बाजार कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक रेंज बन चुकी है कैसेट की, जिसके अंदर वो फिलहाल ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। एक्सपेक्टेड तो है कि 6500 तक का स्तर देखने को मिल सकता है फरवरी वायदा में, और नीचे में 6100 के आसपास का सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि डिप पर ही खरीदारी बनती है और 6500 का स्तर अभी भी संभव है कि इसके अंदर देखने को मिल सकता है। जी ये सर रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का फरवरी वायदा देखें 3136 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी आपको क्या लगता है, 3400 का लेवल दिखाने के बाद बिनौला खल में देख रहे हैं कि 3300 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेड देखने को मिला था, उसके बाद देख रहे हैं कि 3300 से लेवल वहाँ से भी लुढ़क कर अब 3100 पर बाजार ट्रेड करता नजर आ रहा है, क्या यहाँ से अभी प्रॉफिट बुकिंग और बन सकती है, क्या 2800-2900 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं या फिर इन स्तरों से फिर से तेजी आएगी? देखिए अभी जो देखा जाए बिनौला खल में ऊपरी स्तरों पर एक अच्छा खासा करेक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है और बाजार जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम 3180 या 3200 के आसपास सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन उस लेवल को भी ब्रेक कर दिया और अब डाउन साइड में आ चुका है। अब यहाँ पर जो लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 3080 का है, लेकिन मुझे लगता है कि यहीं से 3120 के आसपास भी एक सपोर्ट है और वहां से बाउंस बैक आ सकता है जो कि इसको अगेन 3400 तक ले जा सकता है। करेक्शन जरूर आया है लेकिन इस करेक्शन में वापस से मुझे लगता है कि एक बार तेजी बन सकती है जो कि इसको 3400 से 3500 तक ले जा सकती है। हल्की फुल्की अब यहाँ से थोड़ी बहुत और करेक्शन आ सकती है, इससे ज्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। 3320 या 3080 मैक्सिमम डाउनसाइड यहाँ तक बनता हुआ दिखाई दे सकता है, वहां से वापस से खरीदारी देखने को मिल सकती है। जी ये सर रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया का परेल वायदा 10200 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1.25% की तेजी है। जीरे का मार्च वायदा देख रहे हैं 18775 पर ट्रेड कर रहे हैं 2.5% की तेजी के साथ, और हल्दी का अप्रैल वायदा देख रहे हैं कि इस वक्त वो भी तेजी के साथ ही ट्रेड करता नजर आ रहा है 10380 पर 0.5% की तेजी के साथ। रूपा जी आपको क्या लगता है, हमने जो बीते कारोबारी सप्ताह में मसाला पैक में करेक्शन आते हुए देखी थी, अभी भी देख रहे हैं कि धनिया और हल्दी में हल्की सी करेक्शन है, पहले के मुकाबले जो लेवल्स हैं वो थोड़े लुढ़के हैं, हालांकि हरे निशान पर हैं लेकिन लेवल्स थोड़े लुढ़कते नजर आए हैं। वहीं पर जीरे की कीमतों पर नजर डालें तो जीरे में थोड़ी बढ़त देखने को मिली है पहले के मुकाबले, जहाँ पे पहले 18200-18300 पर ट्रेड करता दिख रहे थे अब 18700-18800 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, जैसे कि अभी शादी ब्याह का सीज़न है इंडिया के अंदर और आगे होली है, रमज़ान का भी महीना है, तो क्या एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होने से, और जो हम देख रहे हैं कि इस बार मसालों की शॉर्टेज है थोड़ी क्रॉप के चलते, तो क्या मसालों में इस बार शानदार तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए अभी बाजारों मसालों की अगर बात करें तो डेफिनेटली फंडामेंटल अभी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख भी रहे हैं कि सभी मसाले अभी तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो धनिया हो, जीरा हो या फिर हल्दी। धनिया की जिस तरीके की फसल खराब होने की रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है उसके चलते कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ भी दिखाई दिया है, और यहाँ से हमें लगता है कि धनिया ऊपरी स्तरों पर सस्टेन कर सकता है और 10,800 से लेकर 11,200 अप्रैल वायदा में स्तर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं जीरे की बात करें तो जीरे में 20,000 तक का स्तर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखने को मिल सकता है। वहीं हल्दी की बात की जाए तो हल्दी में भी 10,800 से लेकर 11,200 तक की तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार हम देख रहे हैं 11,700 के ऊपर है, ग्वार सीड 6200 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। बीते कारोबारी सप्ताह हमने ग्वार गम और ग्वार सीड को ऊपरी स्तरों से लुढ़कते हुए देखा है, ग्वार गम में जहां 12,000 के लेवल देखने को मिले थे वहीं ग्वार सीड में 6500 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिले थे। आपको क्या लग रहा है, क्या ग्वार गम और ग्वार सीड में जो ट्रेंड है ऐसे ही बना रहेगा कि कभी मंदी तो कभी तेजी?
देखिए ग्वार में अपने देखा जाए तो इन लेवल्स के ऊपर डिमांड निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि प्राइसेस काफी ऊपर है, और अगर ये प्राइसेस के ऊपर भी डिमांड निकलती है तो वापस से मार्केट जो है वो सस्टेन कर सकते हैं। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर एक करेक्शन बनती हुई दिखाई दी है, लेकिन वापिस से निचले स्तरों पर बाइंग फिर हावी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल यही रेंज बाउंड है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। ग्वार गम 12,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं सीट की बात करें तो 6500 से लेकर 6800 तक के स्तर भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है इसमें पॉजिटिव है। मार्केट में अगर करेक्शन आती है तो उस करेक्शन में ही खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। देखिए करेक्शन भी ड्यू है, यहाँ से करेक्शन भी बढ़ सकती है, तो संभल कर कारोबार करने की जरूरत है। लेकिन स्तर अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर में 12,000 से 13,000 का स्तर जो है गम सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन का फरवरी वादा देख रहे हैं 6300 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, लगभग 0.25% की करेक्शन है। आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसानों ने सोयाबीन को होल्ड कर रखा है, मंडियों के अंदर सोयाबीन का जो स्टॉक है, जो अराइवल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिल रही है, पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है, लगातार इनमें गिरावट ही देखने को मिल रही है, और जो मांग है वो एज इट इज़ बनी हुई है। रूपा जी देख रहे हैं फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है सोयाबीन के, लेकिन ऐसे में तेजी नहीं बन पा रही है। आपको क्या लगता है सोयाबीन में क्या आगे चल के तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए फंडामेंटल इंटरनेशनल मार्केट्स में जो फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं उसका असर डोमेस्टिक मार्केट पर भी आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अभी जो बाजार है वो एक सुस्ती के साथ, और आप ये मानकर चलिए देखिए अगर फार्मर्स ने सोयाबीन होल्ड भी किया हुआ है तो यहाँ से हमें लगता है कि जो हम वायदा की अगर बात करें तो 6300 के आसपास जो सस्टेन कर रहा है, हमने इसको गिरते हुए भी देखा, और मैक्सिमम हम तेजी पहले भी डिस्कस कर चुके कि 6500 तक अपसाइड हो सकता है मैक्सिमम देखने को मिले, लेकिन बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम अभी फिलहाल एडिबल ऑयल पैक, पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाजार इसी रेंज में घूमता हुआ आपको दिखाई देगा, ना बहुत ज्यादा मंदी आने की उम्मीद है, और तेजी भी अगर बनी तो करंट लेवल से 2-100 पॉइंट की तेजी सोयाबीन के अंदर बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी ये सर जी बात करें अगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की, तो M6 कॉटन देख रहे हैं 36,750 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, कॉटन के अंदर लगभग 0.25% की तेजी बनती नजर आ रही है आज M6 कॉटन पर। आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कॉटन का जो एस्टीमेट, जो प्रोडक्शन का जो एस्टीमेट था वो भी कम कर दिया गया है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, मंडियों में अच्छी क्वालिटी की कॉटन है नहीं इतनी, और जो प्रोडक्शन है वो भी पहले से कम ही देखने को मिल रही है। इस बार हमने कॉटन की फसलों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हुए भी देखा, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड अच्छी है, डोमेस्टिक लेवल से भी डिमांड ठीक ठाक है, तो क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि कॉटन 40,000 के भी आंकड़े को पार कर जाए? देखिए फिलहाल तो हमें लगता है कि कॉटन 38,000 तक जा सकता है, 40,000 थोड़ा सा दूर होगा ये कहना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में प्राइसेस काफी ऊपर देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए जो लेवल है वो 38,000 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। अगर उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो हो सकता है कि 40,000 का स्तर भी वायदा में देखने को मिले, लेकिन थोड़ा मुश्किल रहेगा। 38,000 तक एक बार एक्सपेक्ट करें कि बाजार बन सकता है। जी ये सर रूपा जी बात करें अगर चने की, तो चने में इस बार खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि जो प्रोडक्शन है पहले के मुकाबले बड़ा है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, किसानों को तो MSP नहीं मिल पा रही है लेकिन रिटेल में काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा है चना, तो क्या आगे चने की कीमतों में कुछ तेज़ी देखने को मिल पाएगी? देखिए अखिलेश चने में अभी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, मुझे नहीं लगता कि बाजारों में फिलहाल इन लेवल्स के ऊपर कोई अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल जो दालें हैं सभी दालों में एक बार दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और दालों में फिलहाल बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, मेरे हिसाब से दालों में प्रेशर बना रह सकता है। जी रूपा जी दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ, जिनका सवाल दर्शक हैं सादिक मोमिन जी, जिनका सवाल रिफाइंड सोया ऑयल और CPO को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं रिफाइंड सोया ऑयल और CPO में अभी क्या करके चलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो फिलहाल इससे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, इसके अंदर अभी बाजारों में जो बाजार है वो सस्टेन करेंगे एक सीमित दायरे में, तो मेरे हिसाब से इसमें अभी फिलहाल पोजीशन लेने से बचना चाहिए। जी रूपा जी दर्शक हैं बहुत सारे जिनका सवाल लगातार तिल को लेकर आ रहा है, CSM को लेकर आ रहा है, रोहित राठौड़ जी हैं, ये जानना चाह रहे हैं अभी तिल का स्टॉक बेच कर चलना चाहिए या रोक कर? रूपा जी देख रहे हैं कि सर्दियों का भी टाइम है और इस बार तिल का उत्पादन भी कम बताया जा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या तिल की जो कीमतें आगे यहाँ पे बढ़ती नजर आएंगी?
देखिए बहुत ज्यादा अभी तेजी नहीं हो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अखिलेश, मुझे नहीं लगता कि इसमें रोक कर ज्यादा चलने में कोई फायदा देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से एग्जिट मतलब धीरे धीरे लिक्विडेट करना चाहिए जी माल को, क्योंकि आगे चलकर दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपर जी, दर्शक हैं भारत धाकड़ जी, जिनका सवाल लहसुन को लेकर आ रहे, जानना चाह रहे लहसुन में अभी क्या करें। अखिलेश मेरे हिसाब से लहसुन में भी बिकवाली की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि लहसुन की कीमतों में भी लगातार दबाव देखने को मिल रहा है और आगे चलकर भी अभी फिलहाल ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बनता दिखाई दे रहा कि लहसुन की कीमतों में तेजी आती हुई दिखाई दे, तो मुझे लगता है कि बिकवाली की तरफ रहना चाहिए। जी रूपा जी, दर्शक है हर्ष कुमार जी, जिनका सवाल हल्दी को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं हल्दी में अभी क्या करें, बेचें या रोक दें। देखिए कुछ एक माल आप अभी लिक्विडेट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी अच्छे मिल रहे हैं, और कुछ एक आप होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि अभी थोड़ा सा बाजार जो है और उठ सकता है, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10,800 से लेकर 11,000, 11,200 तक की तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन वही समझदारी ये होगी कि कुछ एक माल इन लेवल्स के ऊपर भी लिक्विडेट करना चाहिए। जी रूपा जी, दर्शक हैं विनोद जी, जिनका सवाल मूंगफली को लेकर आ रही, जानना चाह रहे हैं मूंगफली में आगे तेजी है मंदी। देखिए मूंगफली में मुझे लगता है कि दबाव बना रह सकता है, अब यहाँ से मूंगफली में फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, सरसों तेल को लेकर काफी सवाल आ रहे हैं, अभी मस्टर्ड ऑयल में अभी क्या रुझान रह सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्रॉप भी आने वाली है और इस बार बम्पर प्रोडक्शन का अनुमान लगाया जा रहा है पहले के मुकाबले, और अराइवल्स भी काफ़ी ज़्यादा बम्पर देखने को मिलेंगी, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या तेल में गिरावट संभव है आगे जाके कुछ। देखिए तेलों में मैंने हमेशा यही बताया है अखिलेश कि अभी तो दबाव जो है आगे चल के बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और अगर तेजी आई भी तो 100-200 पॉइंट की तेजी, जैसे कि हम सोयाबीन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बन सकती है, लेकिन वही रिफाइंड सोया की बात करें, मस्टर्ड की बात करें, आगे चलकर प्रेशर जो है वो बना रह सकता है, और अराइवल के बाद तो डेफिनेटली दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा, तो मुझे लगता है कि इनके अंदर बिकवाली में ही रहना चाहिए। जी रूपा जी, दर्शक हैं प्रकाश जी, जिनका सवाल चीनी को लेकर आ रहा है, ये चीनी के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या चीनी में अभी यहाँ पे तेजी बनेगी या मंदी। देखिए चीनी में भी बाजार अभी साइडवेज है, चीनी में भी बहुत ज्यादा भी फिलहाल मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। जी रूपा जी, संजय जी हैं, जिनका सवाल कपास को लेकर आ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कपास बेचें कि नहीं। देखिए कपास को बिल्कुल आप लिक्विडेट करें, क्योंकि ऑलरेडी बाजार काफी ऊपर है और जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तेजी बनी रह सकती है, लेकिन वही माल फंसने के भी चांसेस हो सकते हैं कि कभी भी करेक्शन भी आ सकता है, तो मेरे हिसाब से एक बार लिक्विडेट करना चाहिए। जी रूपा जी, दर्शक है जिनका सवाल गेहूं को लेकर आ रहा है, वीट को लेकर आ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि अभी वीट में क्या करें, गेहूं में क्या करें। देखिए वीट में अभी कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, एज यूजुअली मुझे लगता है कि वीट के अंदर प्राइसेस जो है इन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेन करते हुए दिखाई देंगे, तो कोई फ्रेश बाइंग जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई इंटेक्ट करना चाहिए, अगर रखा हुआ है तो आप थोड़ा सा होल्ड करें, अगर थोड़ा डाउन सा बैक आता है प्राइसेस के अंदर तो वहां पर आप एग्जिट ले सकते हैं। जी रूपा जी, मनीष गुप्ता जी हैं, जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है, जानना चाह रहे हैं जो नई फसल आने वाली है उनको आने में अभी कितना टाइम लगेगा सरसों की फसल को। देखिए अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च में जो है नई अराइवल्स आने शुरू हो जाएंगी, तो मार्च के अंदर एक्सपेक्टेड है कि कीमतों पर दबाव ज्यादा आ सकता है। जी रूपा जी, काफी सारे दर्शक हैं जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है, सब जानना चाह रहे हैं बिनौला खल में अभी क्या करके चला जाए, क्योंकि देख रहे हैं कि जो कपास बीज है उनकी किल्लत के चलते बिनौला खल की जो अवेलेबिलिटी है, जो स्टॉक है वो तो कम देखने को मिला है, लेकिन वायदा में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या आगे इन फ्यूचर बिनौला खल में शानदार तेजी बनती नजर आ पाएगी। देखिए जो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो अखिलेश 3,000 का लेवल है, अगर वो ब्रेक नहीं होता तो डेफिनेटली प्राइजेस जो है वो बाउंस बैक ले जाएंगे, और अभी जिस तरीके से सिनेरियो है वो तो काफी पॉजिटिव है और एक्सपेक्टेड है कि देखिए 3,000 का लेवल अहम रहेगा यहाँ पर, तो और फंडामेंटली सपोर्ट है मार्केट के अंदर अभी भी, तो एक्सपेक्टेड है कि एक बार हल्का बाउंस बैक आएगा जो कि उसको ऊपर में 3,3400 से लेकर 3,500 तक ले जा सकता है। जी ये सर जी, बात करें अगर मक्के की, तो मक्के में हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले कुछ बढ़त बनती नजर आई है, हालांकि जो प्रोडक्शन है वो भी कम ही है मक्के का, और दूसरा देख रहे हैं कि विदेशों में भी मक्के की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या मक्के में आगे और तेजी एक्सपेक्टेड है। होगा कि फंडामेंटल कैसे अहम रोल प्ले करते हैं, और अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि पिछली बार हमने देखा था कि अच्छी खासी अराइवल्स देखने को मिले थे और प्राइसेस के अंदर दबाव देखने को मिला था, अगर इस बार प्रोडक्शन कम रहता है तो फिर सपोर्ट आता हुआ कीमतों के ऊपर दिखाई दे सकता है। जी
रूपा जी, दर्शक हैं प्रकाश वार्षणे जी, जिनका सवाल सोया तेल को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं सोया तेल मार्च तक स्टॉक करके रख सकते हैं क्या? देखिए, मेरी तो सजेशन नहीं होगी स्टॉक करने की, बाकी आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो अभी इन लेवल से ऊपर थोड़ा बहुत जो मार्केट के अंदर जंप आया है, इसके अंदर निकालने में ही फायदा है। जी रूपा जी, टॉपिक क्या देना चाहेंगी आप आज एग्री कम्युनिटीज में? हफ्ते के पहले कारोबारी दिन जिनमें पूरा कारोबारी सप्ताह अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि मसालों में बाइंग में रहना चाहिए, मसालों के अंदर एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम बना रह सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि मसालों में खरीदारी में रहा जा सकता है, मसालों में आगे जाके भविष्य में भी काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाज़ार का अपडेट कि आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन कमोडिटी बाज़ार कैसा खुलता नज़र आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाज़ारों का मैं अभी के लिए व्यस्त नहीं, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ये बना रहेगा मार्केट टाइम से भी पर।